हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल होप यू ऑल आर फाइन इन प्रीवियस वीडियो वी टॉकड अबाउट बुद्धिज्म फोर नोबल ट्रूथज एंड इन टू पर्टिकुलर सेगमेंट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बुद्धिज्म थ्योरी ऑफ कॉजेशन लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट हैविंग एनी फर्दर डिले ऑफ टाइम जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन है इसको हम आल्सो जानते हैं एज पतिसा समो से जो टर्म पतिसा समो है इसका मतलब है डिटेल्ड सॉरी डिपेंडेड ऑरिजिनेशन और अराइजिंग जो थ्योरी ऑफ काजेशन है ये हमें की डॉक्ट्रीन देखने को मिलती हैं विद इन द कि ऑलमोस्ट शेयर करते हैं सभी स्कूल्स बुद्धिज़्म के जो पतिसा समा समूह पदाच जो हैं या थ्योरी ऑफ काजेशन है ये बेस्ड ऑन है कि सभी फिनोमिनाज जो हैं वो ऑरिजिनेट और एराइज हुए हैं विद द हेल्प ऑफ अदर नेचुरल फिनोमिनाज इन अदर वर्ल्ड्स वट एवर uh, जो जो भी एग्जस्ट करता है विद इन दिस वर्ल्ड या जो भी एग्जिस्ट जो भी ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं विद इन दिस वर्ल्ड वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, हैं समवेयर यहाँ पे हमें बेसिक प्रिंसिपल ये देखने को मिलता है कि जो सभी थिंग्स और फिनोमिनाज और जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑरिजिनेट हुए हैं विद द हेल्प ऑफ अदर फिनोमिनाज इवेंट्स और दरमाज से नव हमें ये क्लियर होता है कि जो प्रतीत या समूह पदा हैं इसको हम ऑल्सो जानते हैं एज डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन या डिपेंडेंट अराइजिंग या थ्योरी ऑफ कॉजेशन से जो कि एक्चुअली फंडामेंटल कंसेप्ट है बुधज़म फ़िलासफ़ी का जो कि डिस्क्राइब करता है इंटरकोनस को रिलेटनेस ऑफ नेचर ऑफ ऑल फिनमिनाज जो कि एक्चुअली ऑरजिनेट हुए हैं फिनोमिनाज विद द हेल्प ऑफ अदर फिनोमिनाज दस जो डिपेंडेंस हैं फिनोमिनाज की वो हमें कॉज देखने को मिलती है फॉर द ऑरिजिनेशन ऑफ द वर्ल्ड जो डॉक्ट्रीन है थ्योरी ऑफ कॉजेशन या पत्तीसरा समोता पदा हैं ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो सफरिंग uh, है uh, वो अराइज होती हैं लाइफ में दैट इज़ अनुलोमा मा पतिसा समूह पदा जिसका मतलब है फ्यूचर सफरिंग या आफ्टर रिबर्थ सफरिंग और पतिलो पतिलोमा पति पति कसा मुक्ता जिसका मतलब है सफ़रिंग ऑफ पास्ट अगर हम अदर वर्ड्स में आ, कहेंगे जो पति सा समूह पदा हैं वो एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं प्रोसेस ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ दैट इज़ समसारा एज प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एग्जिस्टेंस और ये हमें एक चेन देखने को मिलती है कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है इंटरकोनेक्टेड नेस देखने को मिलती है बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट जो पतिसा समुपता पदा हैं ये जो मेथड है इसको हम ऑल्सो जानते हैं एज मेथड ऑफ ब्रेकिंग प्रोसेस ऑफ समसारा दैट इज प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग बर्थ एंड रीबर्थ साइकिल या समसारा सो so, जो पतिसा समूह पदा हैं इसे हम ब्रेक कर सकते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ को जो प्रोसेस है अनुलोमा पतिसा पति सम्पुदा इसका मतलब है फ्यूचर रिबर्थ इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे ग्रीन फॉरवर्ड या कंडीशनली और जो प्रोसेस हैं पति लो पति सा समापुदा इसका मतलब है पास्ट रिबर्थ इन अदर वर्ड्स अगेनेस्ट द ग्रीन रिवर्स कंडीशनली जो ये बोथ प्रोसेस हैं इनके हमें डिपेंडेंटली ऑरिजिनेशन देखने को मिलता है और इनको हम आल्सो जानते हैं एज ट्वेल्व लिंक्स ऑफ दवादा सनी दाना दनानी और निंदास जो कि एक्चुअली डिस्क्राइब करते हैं प्रोसेस को जिससे हम परसीव कर सकते हैं कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ विद इन द मटीरियल वर्ल्ड ड्यू टू विच जो दुखा है या पेन है सफरिंग है वो आकर होती है इन अदर वर्ड्स जो ट्वेल्व लिंक्स हैं ये आल्सो प्रोवाइड करते हैं एनालिसिस ऑफ रीबर्थ एंड सफरिंग और रिजेक्ट करते हैं ये आल्सो कन्सेप्ट ऑफ आत्मान एज अनचेंजिंग सोल सो so, ये जो ट्व निंदास हैं ये आल्सो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे हम प्रोसेस कर एंड कर सकते हैं एक प्रोसेस ऑफ समसारा को या बर्थस की इन ऑर्डर टू अवॉइड सफरिंग अनदर इंटरप्रिटेशन अबाउट सनी दनानी और नींदास वो ये हैं कि जो नि, ये निंदास हैं ये डिस्क्राइब करते हैं मेंटल प्रोसेसेस को जो कि एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर सफ़रिंग और बाकी जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि हमें इन कंसिस्टेंसीज देखने को मिलती है एमंगीस सनी दानीस और नींदाज में अनिवेज़ जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन है या डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन है बुद्धिज़म स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी की ये वो हमें वेरी कंप्लेक्स देखने को मिलता है एक फ़िलासफिकल कंसेप्ट जो कि आलमोस्ट एक्सप्लेन करता है हर एक चीज़ का काज़ वो लाइफ हो या वो वर्ल्ड हो या औरजिनेशन ऑफ वर्ल्ड सो so, जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन है इसमें बहुत सारी एक्सप्लिनीशनस और इंटरप्रटेशनस दिए जाते हैं और ये जो एक्सप्लेशनस और इंटरप्रटेश हैं ये बेस्ड ऑन होते हैं ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन या रिलेशनशिप बिटवीन फिनोमिनाज जो कि एक्चुअली इंक्लूसिव होते हैं इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन है या डिपेंडेंट औरजिनेशन uh, ये जो थ्योरी है इसके हमें बहुत सारे इम्प्लिकेशनस देखने को मिलते हैं फ़र्स्ट वन की अगर हम बात करें अगर हम ऑन्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ़ाइन करें थ्योरी ऑफ कॉजेशन को जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन है ये कंसेप्ट है अबाउट द एग्जिटेंस ऑफ वर्ल्ड और नेचर जो कि एक्चुअली बिलीव uh, करते हैं कि जो सभी फिनोमिनाज हैं वो ऑरिजिनेट हुए हैं फ्राम अदर फिनोमिनाज और हर एक थिंग जो भी एग्जिस्ट करती हैं विद इन दिस वर्ल्ड फॉर दैट उसके लिए जो नेचुरल काजि हैं वो रेस्पॉन्सिबल है ट्रेडिशनली ट्रेडिशनल ऑन्टोलॉजिकल और मेटाफिज़िकल कंसेप्ट जो है बुद्धिज़म का वो क्लोजली एसोसिएट हमें देखने को मिलता है विद डॉक्ट्रिन ऑफ रिबर्थ और कैसे रिबर्थ आकर होती है विदाउट एनी फिक्सड सेल्फ आत्मान या सोल बट जो ऑरजिनेशन हमें देखने को मिलती हैं वो हम uh, नए सोल की या नए सेल्फ की, की वो हमें uh, देखने को मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू फिनोमिनाज दस अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म सेल्फ़ हैं आत्मान है वो परमानेंट नहीं है सेकेंड जो है अगर हम एपिस्टोमोलोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें थ्योरी ऑफ कॉजिशन को ये जो थ्योरी है नॉलेज की जो कि हम आ, बात करती हैं अबाउट द वर्ल्ड जो कि अकॉर्डिंग टू बुद्धज़्म स्टेबल और परमानेंट नहीं है इन जो फिनोमिनाज हैं वो हमें परमानेंट देखने को मिलते हैं स्टेबल देखने को मिलते हैं सच एज स्पेस या एंड ऑफ यूनिवर्स या निर्वाना या एबसेंस ऑफ सल्स सो ये जो आ, फिनोमिनास हैं ये हमें ओनली परमानेंट देखने को मिलती हैं दस अकॉर्डिंग टू एपिस्टोमोलोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हर एक चीज़ जो भी एग्जिस्ट uh, करती हैं उनकी हमें डिपेंडेंट ऑरिजी ऑरिजिनेशन देखने को मिलती है और नथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है वो हमें परमानेंट uh, नहीं देखने को मिलता है जैसे हम आल्सो जानते हैं एज अनिका विद इन द बुद्धिज़म और ये आल्सो बात करता है कि जो सोल हैं यह हमें आल्सो परमानेंट नहीं देखने को मिलता है इन स्टीड जो अताना है दैट इज स्पेस एंडिंग ऑफ यूनिवर्स या निर्वाना एबसेंस ऑफ सोल यह हमें परमानेंट देखने को मिलते हैं अगर हम थर्ड की बात करें थर्ड प्रिंसिपल वो है फिनोमिना लॉजिकल और साइकोलॉजिकल व्यू अबाउट द थ्योरी ऑफ कॉजेशन जो कि मेनली डील करती हैं विद द माइंड डिज़ायर्स थ्रू विच जो सफरिंग है वो अराइज होती हैं दैट्स एक्चुअली अराइजिंग फ्राम डिफरेंट मेंटल स्टेटस कंडीशन ओवर टाइम फोर्थ जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनलिटी थ्योरी ऑफ कॉजिशन के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनलिटी है उसके हमें डिफरेंट नेम्स देखने को मिलते हैं सच एज सर्टिनटी लॉस रूल्स धर्मा इन अदर वर्ड्स जो दमा निया मताँ uh, जिसका मतलब है सचनेस ऑफ धर्मा और अदर नेम्स आल्सो अकॉर्डिंग टू पॉल विलियम्स जो अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनमें में मेंशन किया है गया है कि जो रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है बिटवीन टू इवेंट्स एंड फिनोमिनाज सच एक्स एंड वाई जब एक्स आकर होता है तो वाई फॉलो करता है और जब एक्स आकर नहीं होता दैन उस टाइम जो वाई है वो फॉलो नहीं करता सिमिलरली जो रिचार्ड ग्रिज हैं वो ऑल्सो लिखते हैं कि जो थिंगस हैं वो एग्जिस्टेंस में आते हैं अंडर देयर ओन कंडीशनस जिसको बुधा जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं एज ए प्रोसेस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ कॉजेशन बिसाइड इज रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनलिटी जो भिखू हैं या बुद्धि हैं सॉरी जो भिखु बोधि हैं वो uh, कहते हैं कि जो स्पेसिफिक कंडीशनलिटी है वो हमें रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं बिटवीन डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस सच एज बर्थ एंड डेथ अपार्ट फ्राम दिस जो बुधा है जब उसने एनलाइटमेंट गेन किए या अवेकनिंग गेन की उसके बाद उसने सर्च करना शुरू किया या डिस्कवर करना शुरू किया कॉज ऑफ़ सफरिंग के लिए सफरिंग की सच एज ओल्ड एज और डेथ उनकी रिगार्डिंग वो कहते हैं कि ये हमें परमानेंट कंडीशन देखने को मिलते हैं जो कि एक्चुअली डिस्क्राइब uh, किया जाता है जिनको एक्चुअली आल्सो डिस्क्राइब किया जाता है विद हेल्प ऑफ ट्वेल्थ निंदास सो अवेकनिंग और एनलाइटमेंट अचीव करने के बाद जो बुदा है वो आल्सो रियलाइज़ करते हैं जो डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन या कॉजेशन है फिनोमिनाज की उनके हमें टू प्रिंसिपल्स uh, देखने को मिलते हैं वन इज़ गंभीरा जिसका मतलब है डिफ़िकल्ट टू सी या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड या डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व दैट आर एक्चुअली बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ रीजन सेकेंड वन वो कहते हैं अतक uh, कविया सारा इसका uh, मतलब है डिफ़िकल्ट टू एनालाइज और डिस्क्राइब दस अकॉर्डिंग टू अबा थ्रू अचीविंग निर्वाणा मोक्षा हम अवॉइड कर सकते हैं सर्च uh, uh, करना उन कॉन्सैप्ट uh, को जो कि एक्चुअली बियॉन्ड है हमारे रीज़न से इन महा नंदाना सुता जो बुधा बुधा है वो आल्सो डिस्क्राइब करते हैं डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन या कॉजेशन को एज अ वेरी डीप जो कि मेनली अनडरस्टेंडेबल वीवस हैं अबाउट दिस समारा मींस बर्थ एंड रिबर्थ एंड सफरिंग और अदर काउंटर पार्ट्स ऑफ महा नंदा सुता में जो बुधा है वो आल्सो डिस्क्राइब करते हैं डिपेंडेंट कॉजेशन और औरजिनेशन को एज नॉलेज जो एक्चुअली फर्स्ट uh, हुई है और जिसको वो कहते हैं दमा तिथि नमाम सो so, देन जो नॉलेज है उसके बाद हमें नॉलेज ऑफ निर्वाणा की देखने को मिली जिसको अबुदा कहते हैं एज निबानी नमाम हावेवर जो बोथ नॉलेज और निर्वाणा है ये हमें विजिबल नहीं देखने को मिलते हैं जो कि मेनली इनटेंजेबल हैं अनमेड हैं अनकन्स्ट्रिक्टड हैं और अनबिकमिंग है और जो फिफ्थ है प्रिंसिपल वो है वेरिएबल फिनोमिना अकॉर्डिंग टू कायासुता जो डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन या कॉजेशन है ये हमें बेसिक प्रिंसिपल देखने को मिलता है आल्सो कंडिशनलिटी और ध्याना का जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज लॉजिक लौ, जो कि मेनली हमें इन्वेरेबल और स्टेबल फिनोमिना देखने को मिलती हैं वाइल जो डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन या कॉजेशन है अकॉर्डिंग टू बुधा वो हमें इन्वेरेबल और इम्पर्मनेट फिनिना देखने को मिलती हैं प्रिंसिपल जो है वो है इन्वेरियंट प्रिंसिपल ऑफ डिपेंडेंट ऑरजिनेशन अकॉर्डिंग टू तो पकाया सुता जो नेचुरल लॉ है कंडीशनलिटी या लॉजिक का वो हमें इंडिपेंडेंट देखने को मिलता है जिसको एक्चुअली डिस्कवर किया है बाई बुदा ने एज तथा था सो यह हमें सिमिलर देखने को मिलते हैं जस्ट लाइक द लॉज ऑफ़ फिजिक्स इन पकाया सुताज बुदा हैं वो यूज़ करते हैं बहुत सारे टर्म्स को सचेज़ वो अदातो यूज़ करता है जिसका मतलब है प्रिंसिपल और तिथा जिसका मतलब है जस्ट स्टैंडस दमा तिथा जिसका मतलब है बेसिक पैटर्न ऑफ स्टेबिलिटी और दमा नियामतः जिसका मतलब है बेसिक पैटर्न ऑफ रिकुलरिटी और इदापा सयाहताँ जिसका मतलब है कंडीशनलिटी लॉजिक जो कि एक्चुअली बुधा के अकॉर्डिंग बेसिक प्रिंसिपल पैटर्नस हैं अचीव करने के लिए दमा को जिसका मतलब है राइट विजन थ्रू विच हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन एंड कॉजेशन को और जो सेवन्थ प्रिंसिपल है वो हैं प्रिंसिपल ऑफ सीइंग द धर्मा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो डिपेंडेंट औरजिनेशन है इसको एक्चुअली पुट फॉरवर्ड किया है इनटू द मेन स्ट्रीम बाय श्री पुत्रा एंड महामोग गलाना जो कि प्रिंसिपल फॉलोवर्स थे बुद्धज़म और बुधा के जिन्होंने क्वाइन किया धर्मा हेतु वर्सेस को और फ्रेज़स को जो कि हमें आल्सो देखने को मिलते हैं विद इन द वनिया एंड अदर सोर्स जो कि आल्सो डिस्क्राइब करते हैं डिपेंडेंट औरिजिनेशन एंड कॉजेशन को और जो एर्थ है वो है प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो डिपेंडेंट कॉजेशन या ऑरिजिनेशन है वो हमें मिडल वे देखने को मिलती हैं बिटवीन द मोनोइज्म एंड प्लुलरिज्म अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्लियर होता है कि जो बुद्धिस्ट थे वो बिलीव करते थे विद इन द बोथ मोनोइज्म सिंगल रियलिटी पे और प्लुलरिजम मीनस ड्यूअल या प्लुलरिस्ट रियलिटी पे कसाना गोता सोता के अकॉर्डिंग जो बुधा है वो बिलीव करते थे कि जो वर्ल्ड है यह हमें मेनली uh, बेसड देखने को मिलता है विद इन द डिवेलिज्म एंड प्लूलरिज्म देन उसके बाद कसाना गोता सुता जो है वो रिगार्ड करते हैं ट्वेल्व निंदास को एज टीचिंग ऑफ डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन एंड कॉजिशन जिसमें वो ऑल्सो रिजेक्ट करते हैं मेटाफिज़िकल व्यवस को अबाउट सेल्फ आत्मान या सोल की या जो कंसेप्ट हमारे लॉजिक के बियड हैं जिन पर हम मेनली लॉजिक यूज़ नहीं कर सकते जो कसाना गोता है वो क्लोज एसोसिएट था बुदा का और वो एवॉयड करता है मेटाफिज़िकल वेवस को अबाउट द सेल्फ सोल एंड डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन तो अकॉर्डिंग टू कसाना सुताँ जो ह्यूमन बींग है वो उनको मतलब अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए टूवर्ड द सेल्फ डिजायरस बिकॉज जिनकी वजह से मेनली हमें सफ़रिंग देखने को मिलती है और ये कॉज हमें देखने को मिलते हैं सफ़रिंग के सिमिलरली इन महादना सुतः जो कि एक्चुअली एक बुधिस्ट डिक्शनरी हैं जिसमें बुधा जो है वो अंडरस्टेंड करते हैं डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन को एज अबेंडेंट और रिमूव करना बहुत सारी रॉन्ग नोशंस को या व्यूज को अबाउट दिस सेल्फ बिकॉज जिनकी वजह से मेनली हमें सफरिंग देखने को मिलती हैं जो कि कास हैं सफरिंग के इन अन अदर सूता आ, सूत्रा जो बुदा हैं वो कहते हैं कि जो दरमा है या कास हैं एम्पटिनेस का या लोनलीनेस का वो हमें खाली वे देखने को मिलती है अबेंडन और रिमूव करने के लिए रॉन्ग व्यूज नोशनस को और इन महादनासुता जो बुधा हैं वो ऑल्सो आस करते हैं बहुत सारी क्वेश्चन अबाउट द सेल्फ आत्मान जो कि ऑलवेज सी करता रहता है फील करता रहता है डिज़ायर्स को सो इन क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग जो बुधा हैं वो कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन हैं ये हमें मेनली इनवेलड देखने को मिलते हैं और इनका हमें कोई भी कनेक्शन या रिलेशनशिप नहीं देखने को मिलती है बिटवीन द डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन और जो बुधा हैं वो सजेस्ट करता है मेडिटेशन ध्यान को एम्पीनेस कंसेंट्रेशन को ऑलसो एज सुनिया समाधि जो कि uh, बुरा के अकॉर्डिंग वे है अवॉइड करने के लिए कॉन्सेप्ट इसको रॉन्ग कॉन्सेप्ट इसको जो कि कॉज हैं सफरिंग के और जो मेनली हमारे लॉजिक के बियॉन्ड हैं सो गाइजी था आज का हमारा टॉपिक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा uh, अगर कोई uh, किसी को कहीं पर डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स पर फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे एज़ वेल मेल भी कर सकते हो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन डार्क चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग